हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट में। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है DRDO से रिलेटेड, जिसके गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंटर के अंदर आपकी डिप्लोमा, बीटेक और ITI वालों के लिए काफ़ी सारी जो है वैकेंसीज और पोस्ट आई हुई हैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के रखा हुआ हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है आपकी मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, सिविल और जो भी उसकी इक्विवेलेंट ब्रांचेज हैं, उसमें 75 पोस्ट जो है आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे निकली है, जिसके अंदर आपके पास 4 साल की बीटेक डिग्री या डिप्लोमा के बाद 3 साल की आपके पास अगर बीटेक की डिग्री है तो यहाँ पर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। बाकी OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 3-5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की भी यहाँ पे पोस्ट आई है, जिसमें मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए आपकी 10, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसी है आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए इन 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पर आपकी टोटल मिला के 20 सीट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ITI वालों के लिए भी यहाँ पर टोटल देख सकते हैं 25 सीट है, जिसमें मशीनिस्ट, फिटर, ट्यूनर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पर 25 सीट्स यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से इसमें आपके पास इसी ट्रेड के अंदर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी जनरल स्ट्रीम के अंदर है, जैसे कि आपके पास आपने BCom कर रखा है या फिर BA कर रखा है या BSc कर रखा है, तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग फील्ड की यहाँ पर आपको दे रखी हैं। इसमें टोटल आपको 30 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आपने BSc कर रखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से, तो यहाँ पर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे आप लोग को 1 साल की अप्रेंटिसशिप यहाँ पे दी जाएगी। और जो भी स्टूडेंट बीटेक, डिप्लोमा या फिर बीए, बीएससी वाले हैं, वो MHRD.government.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर दें, और फिर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे उनका फॉर्म फिलिंग नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने के बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो भी कह सकते हैं, देखिए लास्ट 3 ईयर के जो हैं वो यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट ओनली एलिजिबल, यानी 2019, 20 और 21 में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या ITI कर रखा है वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके अदर जो भी हैं वो नहीं कर सकते। और जो भी जिन कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन कर रखी है वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का भी आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ITI अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेड होनी चाहिए आपके पास, उसी ट्रेड में आपके पास कर सकते हैं। NCVT का सर्टिफिकेट या SCVT का सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसमें आपके लिए वही है, देखिए आपका जो स्टाइपेंड रहता है, जो भी गवर्नमेंट आपको पेड करती है ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI के लिए, 9, 8 और 7 हज़ार का आपको मिलेगा। और अगर नॉन इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट में ही है, तो आपको 9,000 रुपये का स्टाइपेंड वहाँ पर दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस आपकी, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, फिट होना चाहिए, मेन चीज़ बस यही है। आपके अंदर कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई भी कलर ब्लाइंडनेस हो गया या इन सब चीज़ों की आपके पास दिक्कत आपके संग नहीं होनी चाहिए। बाकी हम आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे कि सभी फॉर्म में अप्लाई करते हैं आपको वैसे अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके साइट पर जाके वहाँ पे आप डायरेक्ट DRDO सेलेक्ट करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो भी आप, जैसे आपने बीटेक कर रखा है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पीछे के होने चाहिए, 10th का हो गया, 12th का हो गया, बीटेक की सारी डिग्री या मार्कशीट वगैरह आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और रिजल्ट होगा DRDO.government.in की साइट पर ही आपको मिलेगा, जो मेन रिजल्ट आएगा इसका। और अप्लाई करने, देखिए 14 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आपको 25 मार्च को यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, 31 मार्च को आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, और 11 अप्रैल को आपका, देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो भी है वो ज्वाइन का जो भी होगा, और 22 अप्रैल को जो होगा फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो भी होगा उनकी डेट वगैरह यहाँ पे दे दी जाएगी, और 2 मई को यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग आपके करा दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्या स्टाइपेंड मिलेगा और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली सभी ब्रांचेस का यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ मैं अप्लाई करने का दिया गया है। अगर आप लोग एकदम फ्रेशर्स हैं, आप लोग ने अभी बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है और आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो DRDO की गैस टरबाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और वहाँ पर आप लोग एक्सपीरियंस लेकर किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप जाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ पर आपको काउंट किया जाएगा और आपको अच्छे पे स्केल पर वहाँ पर रखा जा सकता है।
तो आशा करता हूँ आप लोग को अपडेट और वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इसे भरना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।